अब हम लोग अगले भाव के बात करेंगे। अगला भाव है दो भाव के बात हो गया था विश्वास और दूसरा भाव दूसरे को लिख सकते हैं आप लोग साथ साथ, दूसरे को कॉपी बंद हो गया। यस सर।
क्या कर सकते हैं इस पर इनकम के लिए। कितने लोग हैं जो ये पहचान पाते हैं कि उनके भीतर स्नेह का भाव कितने लोग ये पहचान पाते हैं कि ये लोग हैं जो उनसे द्वेष करते हैं, द्वेष या ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग पहचान पाते हैं। आप कितनी बार ये पहचान पाते हैं कि आप किसी से द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं? आप बड़ी बात की, आपको क्या लगता है कि ईर्ष्या और द्वेष हम तो सुखी करता है दुखी करता है? अगर हमको ये स्पष्ट हो पाता है कि जिस तरह से मैं सुखी होकर सुखी करना चाहता हूं, क्या मैंने कहा इसको थोड़ा बाहर कर देते हैं, जब हमको ये स्पष्ट हो पाता है कि जिस तरह से मैं सुखी होकर सुखी करना चाहता हूं, ये दूसरे लोग भी सुखी होकर सुखी नहीं करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं कि जिस तरह मैं सुखी होकर सुखी करना चाहता हूं, ये दूसरे लोग भी उसी तरह सुखी होकर सुखी नहीं करना चाहते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सबका चाहना इसी जैसा है, दूसरों का चाहना भी मेरे जैसा ही है, हम सभी का चाहना एक है। जब ये स्पष्ट होता है कि दूसरे का लक्ष्य कार्यक्रम और क्षमता भी मेरे जैसा है, तब ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि दूसरा भी मेरे जैसा है, उसका लक्ष्य मेरा लक्ष्य एक जैसा है, उसका कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम एक जैसा है, उसकी क्षमता मेरी क्षमता एक है। तो ये बात और पक्का हो जाता है कि दूसरा मेरे जैसा है। जब ये दो बातें स्पष्ट हो जाती है कि दूसरे का चाहना मेरे जैसा है और दूसरा मेरे जैसा, तो आप जो दूसरे को हम स्वीकारते हैं, आप जो दूसरे के प्रति स्वीकृति बनती है, इस स्पष्टता के साथ बनती है कि कहीं कहीं पर उसकी योग्यता मेरे से अधिक भी हो सकती है और कहीं कहीं पर उसकी योग्यता मेरे से कम भी हो सकती है। तो किसी की योग्यता ड्रॉइंग बनाने में अच्छी हो सकती है, हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, किसी की योग्यता मैथ में बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है अंग्रेजी अच्छी ना हो। आप जब ये स्पष्टता हो जाती है कि चाहना उसका मेरे जैसा है, वो मेरे जैसा है, कहीं योग्यता मेरे से कम होगी, कहीं योग्यता मेरे से ज्यादा, तो अब योग्यता के शर्त के आधार पर किसी को संबंधी नहीं सिखाता। अभी आपको संबंधी सिखाते हैं, सवाल शर्त लगा के सिखाते, ऐसा करेगा तो संबंधी, ऐसा नहीं करेगा तो संबंधी नहीं। आपको क्या सहज विचार है, आपके साथ शर्त लगाकर आपके साथ संबंध को स्वीकार किया जाए कि बिना शर्त के? बिना शर्त के। तो हम अनकंडीशनल संबंध स्वीकारते हैं, लेकिन जब दूसरे के साथ संबंध स्वीकारने जाते हैं तो कई कंडीशन लगा देते हैं कि ऐसा करेगा तो संबंध चलेगा, ऐसा नहीं करेगा तो नहीं। एक बार ये स्पष्ट हो गया कि दूसरे का चाहना मेरे जैसा है, दूसरा मेरे जैसा है, कहीं उसकी योग्यता मेरे से ज्यादा होगी, कहीं उसकी योग्यता मेरे से कम होगी, तो आप योग्यता का शर्त नहीं लगाते। अगर अधिक है तो समझने को तैयार हो गए, कम है तो जिम्मेदारी से जीते हुए उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में हम उसको संबंधी सिखाते हैं। तो दूसरे को बिना किसी शर्त के संबंधी सिखाने का भाव है, उसी को क्या कर रहे हैं, दूसरे की योग्यता चाहे मेरे से कम हो चाहे मेरे से अधिक हो, वो मेरा संबंधी है। तो दूसरे को बिना शर्त के संबंधी स्वीकारने का जो भाव है, उसी को क्या कहा, स्नेह। जब स्नेह नहीं होता है तो द्वेष होता है या ईर्ष्या, इसका उदाहरण बताता हूं कैसे समझते हैं। जैसे नहीं आवाज़ से टाइम अगली बात बोलेंगे क्या बोला।
Yes, sir. चेंज करेंगे। आप लोग स्टे और ड्रेस पे बात कर रहे थे, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम है थ्री इडियट्स। यस सर। उसमें एक जगह एक आदमी कहता है कि अगर दोस्त फेल हो जाए, तब आप दोस्त अगर फेल हो जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो और ज्यादा दुख होता है। याद है, जैसे मतलब उसको और ठीक से समझा जाए तो दूसरे उदाहरण से स्पष्ट कर हम लोग ऐसे ही इस तरह का यहाँ वर्कशॉप चल रहा है कानपुर में, ऐसे ही वर्कशॉप हमको चॉइस करने को नहीं मिलेगा।
मिठाई आई, अगर पूरा डब्बा उसने पकड़ लिया तो बाद में मेरे को तभी मिलेगा जब उसका मन होगा, मेरा नहीं। और भी उसने कई उदाहरण दिए कि पहले घर में कोई भी बाहर से आता था सबसे पहले मुझे ढूंढता था, अभी कोई भी बाहर से आता है सबसे पहले उसको ढूंढता है। पहले मम्मी पापा घर से कोई बाहर आएगा, बाहर से आएगा तो पहले मम्मी पापा मेरे बारे में ज्यादा बात करते थे, अभी उसके बारे में ज्यादा बात करते। कई बार तो मेरा बच्चे का आना भी भूल जाते, ऐसे उसने पति सिखा दिए। अब ये बात देख करके मैं बेचैन हो जाती हूँ, इसलिए मैं एकदम बहुत परेशान है। ये उसने कहा, ये उसकी पीड़ा ठीक लग रही है या नहीं लग रही? गणेश जी ने उसको पूछा कि वो तो ठीक है कि आपके मम्मी पापा आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो तो बाहर को मम्मी पापा से आके करूँगा और आज ही करूँगा फिर आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे मैं थोड़ी बात कर लेना चाहता हूँ कि आप जो अपने इस छोटे भाई से कर रही क्योंकि हम किसी अपने से द्वेष करते हैं ये स्वीकारना भी बड़ा कठिन काम है, छोटे भाई से जो कर रही हूँ वो बातचीत हुई। अब फिर अगर किसी का सम्मान बढ़ना है, लोग ज्यादा सम्मान करें, आपको खराब लग रहा है, इसको स्नेह कहेंगे कि द्वेष कहेंगे? कोई लोग ज्यादा किसी पर ध्यान दे रहे हैं और आपको खराब लग रहा है तो द्वेष कहेंगे। अगर किसी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है तो इसको द्वेष कहेंगे कि स्नेह कहेंगे? ये पहचान है। सब बात जब बेटी के साथ होगी तो बड़ा आराम से आएगी। बाद में मम्मी पापा से बातचीत हुआ, मम्मी पापा से बातचीत हुआ तो ये हुआ कि भाई जो 8 साल की लड़की है ये 4 साल के बच्चे का जिम्मेदारी ले सकती है। पूछा गया उससे तुम अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी ले सकती हो? उसने कहा हां ले सकती हूं। तो क्या क्या कर सकती है उसके लिए? तो मैं स्कूल जाती हूँ, ये प्ले ग्रुप भी जाता है, हम साथ में जा सकते हैं, अपना बैग लगाते हैं उसका भी लगा सकते हैं, लौट के आते हैं अपने जूते खोल के जहाँ रखते हैं उसके भी रख सकते हैं, सब चीज पच्चीस काम उसने करा दी। तो ये तय हुआ कि अब आगे से छोटे भाई का ध्यान ये रखें। जैसे बाहर से कुछ खरीद के आया मम्मी पापा से दे दे इसको दे और ये ले जाके छोटे भाई को ऑफर करें। तो जब दूसरे को ले जाके ऑफर करते हैं हम और दूसरा जब उसमें से चुनता है और हमारी तरफ देख के मुस्कुराता है तो उस मुस्कुराहट का सुख हमको मिलता है कि नहीं मिलता? कई बार उस खिलौने से ज्यादा बड़ा सुख होता है, तो उसको वो सुख मिलने लगा। अगर वो मिलने लगा है ना तो भाव का सुख भी मिलने लगा, सुख का सुख भी मिलने लगा, तो अपने में आराम बढ़ेगा बेचैनी बढ़ेगी। अभी आप देखेंगे ना अपनी जिंदगी में तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आप किन किन से स्नेह करते हैं और किन किन से। किसी क्लास में आप देखेंगे ना तो 5-6 दिन से देख के बता सकता हूँ कौन किन से स्नेह करता है कौन किन से, लेकिन मेरा बताना उतना उचित नहीं। आप कुछ जान पर करके देखेंगे तो पता लगेगा कहाँ कहाँ आप देश कर रहे हैं। घर में भी देखेंगे ना तो पता चलेगा कि भाई बड़े तो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने छोटों के साथ बड़ों के साथ स्नेह कर रहे हैं किस किस का? और सहज शिकार क्या है, स्नेह या द्वेष? आप स्पष्ट होगी और स्नेह की पहचान क्या है? हम जिसे स्नेह करते हैं उसका मान बढ़ना, उसका अगर लोगों में स्वीकृति बढ़ने से हमको अच्छा लगेगा खराब लगेगा? अच्छा लगेगा। सिंपल पहचान सही है ना? तो किसी बच्चे को क्लास में टीचर ने ज्यादा हार पूछ लिया, ज्यादा ध्यान दे दिया तो कई बच्चे को खराब लगने लगा। अरे जो खराब लग रहा है ये स्नेह है कि द्वेष? द्वेष। ये बात ठीक है क्या? कुछ ही बच्चों पर ध्यान दिया जाए, सभी पे ध्यान दिया जाए? बांटने होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ना कहते हम बांटेंगे
लेकिन मैं कुछ बच्चों को ढूंढ के देता और लगभग रोज बदल बदल के देता। क्यों देता? ऐसा क्यों करता? ये काम करने का ना क्लास की भागीदारी, क्लास की व्यवस्था की भागीदारी करने का अवसर सबको मिले या कुछ ही बच्चों को? सबको मिले। एक एक बच्चे की बेंच पे जाकर उसके साथ बात करता, क्या करता? या जो आगे बैठे हैं खाली उनसे बात करें। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो बहुत सारे बच्चे देश में चले जाए और एक बार देश का भाव आ गया तो समझ में नहीं आता। ऐसा ही है ना? तो आपके चार दोस्त हैं, एक के साथ आप एक तरह से कह रहे हैं, दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होगा? स्नेह में जाएगा, देश में जाएगा? कितनी बार हम तो स्नेह और देश के बारे में आप लोगों का कोई प्रश्न है अगले दो भाग जो ममता बात चलेगी। आगे बढ़े सर, अगले दो भाव की बात करें, ममता और वात्सल्य साथ लिख सकते हैं। ममता और वात्सल्य को परिभाषित किया है। ममता में लिखा है संबंधी के शरीर के प्रति पोषण संरक्षण का, वात्सल्य में लिखा है संबंधी के स्वयं अर्थात मैं को समझदार दृढ़दार बनाने का। ममता और वात्सल्य को दिखाया गया था संबंधित के शरीर के प्रति पोषण संरक्षण का, संबंधित के मैं को स्वयं को समझदार जिम्मेदार बनाने का। जिम्मेदार बनाने का
Chester? Yes. ठीक कॉपी बंद कर ले जो लिख लिए जो लोग नहीं लिखे हैं वो भी बंद कर लें बाद में लिखें तब तीन भाव का चर्चा पूरा कर चुके विश्वास सम्मान और क्या क्या बिना क्या आप जिसका जिसका विश्वास नहीं करते उसका सम्मान कर सकते हैं तो सम्मान के लिए विश्वास का होना तो विश्वास होगा तो ही आगे सम्मान होगा नहीं तो सिर्फ सम्मान का दिखावा होगा सम्मान नहीं ठीक हो गया विश्वास हुआ सम्मान हुआ तभी स्नेह होगा जिसका ऊपर विश्वास नहीं जिसके ऊपर सम्मान नहीं उसके स्नेह का दिखावा हो सकता है स्नेह नहीं ठीक बात है स्नेह का मतलब संबंधी एक को दूसरे को संबंधी के रूप में बिना शर्त के स्वीकारने का जैसे माँ बच्चे को स्वीकारे रहती है शर्त लगा के स्वीकारे रहती है कि बिना शर्त बच्चा दिन भर में 20 गलती करता है तभी स्वीकारे रहती है ये माँ है बच्चे के लिए कौन सा भाव है ऐसे देखेंगे तो ममता और वात्सल्य का अगला भाव है जो स्नेह के बाद ही शुरू होता है ममता का मतलब क्या है जैसे मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरे में स्वयं और शरीर दोनों वास्तविकता है कि खाली शरीर तो जिसको मैंने संबंधी स्वीकारा है उसमें भी दोनों चीजें होंगी क्या क्या शरीर भी होगा और आपके शरीर का पोषण हो संरक्षण हो शरीर ठीक रहे ये कौन सा वाला भाव हुआ ममता बहुत सारे लोग इसलिए प्रयास करते होंगे कि आपका स्वयं समझदार हो जाए जिम्मेदार हो जाए ये कौन सा भाव हुआ ममता किसको कहा शरीर के प्रति पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी का वात्सल्य किसे कहा स्वयं को समझदार जिम्मेदार बनाने का जैसे माँ को देखे माँ के अगर एक्टिविटी को देखे तो माँ आपको उठने से पहले उठती है खाना बनाती है पहले आपको खिलाती है फिर खुद खाती है ये माँ के अंदर आपके प्रति आपके शरीर के प्रति पोषण का भाव उठती आपसे पहले काम आपसे ज्यादा करती है भूख आपसे अधिक लगती है उसको लेकिन फिर भी खिलाती किसको पहले है ये माँ के अंदर आपके प्रति पोषण का आप देखेंगे ना कभी किसी छोटे बच्चे के साथ छोटा बच्चा है पास में ऐसे नहीं था माँ लेकर के बिस्तर पे उसको सोती है कभी रात में सोते सोते बच्चा बिस्तर पे ही खुशी कर देता है गीला हो जाता है बिस्तर आगे जो बिस्तर गीला हो गया माँ अगर किसी कारण से बिस्तर नहीं बदल पाती है तो कम से कम इतना तो करती है कि बच्चे को उठा के सूखे वाले हिस्से में सुला देती है और अपने गीले वाले को सूखे वाले से के तरफ बच्चे को कर देती है और अपने गीले वाले को सुला ये माँ में भाव है किस चीज का बच्चे के शरीर की सुरक्षा बच्चे के शरीर के संरक्षण ठंड लगे तो मैं झेलूंगी तबियत खराब हो तो मैं झेलूंगी लेकिन बच्चे को उससे ठंड लग रही है कंबल उड़े हैं ठंड लग रही है ना तो पहले माँ अपने को ढकती है कि पहले बच्चे को ढकती है ये माँ में भाव है पोषण और संरक्षण क्या ये पोषण संरक्षण का भाव ममता का भाव सिर्फ माँ में ही हो सकता है बच्चे के लिए या बच्चे में भी हो सकता है माँ से तो वही बच्चा इसका माँ इतना ध्यान रखते हुए एक समय में बच्चा बड़ा हो जाता है माँ बूढ़ी हो जाती है आपको व्यक्ति उस बड़े व्यक्ति बड़े बच्चा भी हो गया उसके सामने खाना आता है थाली में
और उसे खाना तोड़ता है, उसके भीतर ले जाता है। अगर उसमें वाक्य प्रति ममता का भाव है तो भीतर जाते जाते उसको ध्यान में आ जाता है कि मेरी माँ ने खाना खाया, तो खाना खाने वाले से पूछ, खाना देने वाले से पूछता है कि मेरी माँ ने खाना खाया। अब वही ममता का भाव जो माँ ने था बच्चे के लिए, अब बच्चे में आ गया। तो जैसे माँ बच्चे के शरीर के संरक्षण का भाव रखती है ना, ऐसे ही अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बाजार जाता है कुछ सामान खरीदो, तो खरीदते खरीदते उसको याद आता है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उसकी दवाइयाँ बहुत थी, तो खाली अब अपने सामान की चिंता नहीं करे, अब माँ की दवा भी पहुंची कि नहीं पहुंची उसकी भी चिंता करता है। माँ बूढ़ी हो गई है ना, उसको ठंड ज्यादा लगती है, तो अपने लिए स्वेटर खरीदने जाता है तो उसको माँ के ठंड का भी अपने से ज्यादा ध्यान आता है, और अपने लिए खरीदने का सोचने लगता है कि माँ के लिए, माँ के लिए। फिर वो ये भी देख पाता है बच्चा कि मैं तो उठता हूँ 7 बजे 8 बजे, माँ उठ जाती है 4 बजे 5 बजे, 4 और 5 बजे तो ज्यादा ठंड लगती है, ठंडे पानी से बर्तन भी धोना है, घर में पोछा भी लगाना है, तो माँ ठंड में इतना सारा कर रही है, तो माँ के शरीर की सुरक्षा भी जरूरी है, उसके लिए भी कुछ किया जाना है। अब ये सब भाव जो बच्चे में आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है? माँ के लिए। अगर वो ममता का भाव माँ के लिए बच्चे में नहीं है तो बच्चा दूसरे तरीके से झगड़ा करता है कि मेरा ये मेरे को एक और स्वेटर चाहिए, मेरे को एक और ये चाहिए। अब वो ये नहीं देख पाता कि उसकी माँ के शरीर की सुरक्षा नहीं हो पाती। लेकिन उसी बच्चे में जब ममता का भाव आ जाता है तो अपने शरीर के उसको, अच्छा बच्चे के पास 4 स्वेटर पहले से, 5 स्वेटर शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं चाहिए बल्कि दोस्तों को दिखाने के लिए चाहिए। माँ को देखेंगे तो उसको ठंड लग गई। अगर बच्चे में ममता का भाव है तो 5वें स्वेटर के लिए झगड़ा करेगा कि माँ ने स्वेटर खरीद लिया उसके लिए झगड़ा करेगा। अब वो ममता का भाव नहीं है तो फिर अपना 5वां स्वेटर के लिए झगड़ा करेगा। आप प्रश्न पूछना शुरू करते हैं गाड़ी से, किस चीज का पेड़ है, बताते हैं। 2 दिन बाद फिर घुमाने ले जाते हैं, आप फिर वही प्रश्न करते हैं किस चीज का पेड़ है, इस पे क्या बैठा है, ये क्या करता है। 2 ही 4 प्रश्न पूछते हैं पिताजी से, 50 प्रश्न पूछते हैं, 50 प्रश्न पूछते हैं पिताजी, उसका हर बार जवाब। कई बार तो आप एक ही प्रश्न को 4-4 बार भी पूछते हैं, पिताजी उसका जवाब देते हैं। जितना प्रश्न आप पूछते हैं सामान्यतः पिताजी उतना ही पूछ सकते हैं कि आप उतना जानने का प्रयास करें कि पिताजी में भाव है वात्सल्य का, आप कि आप समझदार हो जाए। और अगर वही वात्सल्य का भाव पिताजी में नहीं होता और आपने एक ही प्रश्न 4 बार पूछ दिया तो 4थी बार पिताजी गुस्सा हो जाता तो समझ में नहीं आता, गुस्सा आ गया पिताजी को तो समझ में नहीं आता। ये वात्सल्य का भाव नहीं होने के कारण, वात्सल्य का भाव है 3 बार बता के भी अच्छा लगता है, 4थी बार बता के भी अच्छा लगता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, पिताजी माता जी से अधिक पढ़ लेता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो आता है, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी होके आता है तो माता जी पिताजी से अधिक जानकारियाँ इकट्ठी कर लेता है, उसको कंप्यूटर चलाना भी आ जाता है, मोबाइल चलाना भी आ जाता है, दुनिया पर और टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, तो लौट के आता है तो वही पिताजी को भी सिखाता है, वही वात्सल्य का भाव जो पिताजी में बच्चे के लिए था अब बच्चे में आ गया किसके लिए? लेकिन बच्चे में अगर वात्सल्य का भाव ना हो तो क्या दृश्य बनता? पिताजी बूढ़े हो गए, बड़े पिताजी को अब चीजें बार बार भूल जाती है, बुढ़ापे में 4 बार अगर उन्होंने बच्चे से पूछ लिया कि मैं दवाई कहाँ रखा हूँ, इतने में बच्चा गुस्सा आ रहा है। अब ये बच्चे को गुस्सा आ रहा है ये किस भाव की कमी के कारण आ रहा है? वात्सल्य के भाव की कमी। ये बात समझ में आ रही है?
बच्चों में बच्चों के लिए सिर्फ ममता का भाव होना ही जरूरी है या ममता और वात्सल्य दोनों आपसे? अधिक क्या होगा? अधिक घरों में बच्चे के लिए दोनों को पूरा करने के लिए ध्यान दिया जा रहा है या किसी एक पर ज्यादा ध्यान दे दिया गया? जरूरी तो दोनों है। जैसे आप घर में देखेंगे तो मम्मी आप खाना खा ले जितना चाहती है उसके लिए ज्यादा परेशान रहती है कि नहीं रहती? उतर के नीचे आ जाएगी तो बच्चा डर जाता है, पीने लग जाता है। लेकिन दो चार दिन में बच्चे को पता लग जाता है कि छिपकली डराती नहीं है, तो डर के भाग जाती है। तो आप दोबारा माँ कहती है पी ले, लेकिन छिपकली उतर आएगी तो बच्चा हंसने लगता है, बुरट बनाती है। अब महंगी का तो दोबारा छोड़ देती है क्या? नया तरीका कुछ के दिखा बोलती पी ले दूध, नहीं तो अंकल का छोटा वाला बेटा है ना वो आके पी जाएगा। आप उसके साथ प्रतिस्पर्धा वो पीने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद पार्टनर मिलता है और बता देता है कि मेरे घर में बहुत पिटाई हो रही है आजकल दूध पीने के लिए। तब अगली बार माँ कहती है पी ले, नहीं तो तुम्हारे अंकल का बेटा आके पी जाएगा। तब उसको समझ में आ जाता है कि माँ क्या कर रही है, बुरस बना रही है, हमको ध्यान आया जब मैं पढ़ाने गए कॉलेज में,
तो ऐसे यहाँ चौक दस्तर है ना, वैसे वहां भी करते थे। तो मैं था दूसरे टीचर, वही क्लास पढ़ा के लौटे, लौट के आए तो उनके रजिस्टर में बहुत सारा चौक का वो लग गया था दस्त। आए तो मेरे टेबल पर खूब जोर से रजिस्टर ऐसे पड़ गया, पटके तो रजिस्टर में लगा हुआ जितना डस्ट था उनके मेरे चेहरे पे आ गया। तो समझ में आ गया उनका चेहरा देख कर कि यार बच्चों ने जरूर क्लास में कुछ शरारत कर दी, खूब परेशान थे। क्या हो गया सर, इतना क्यों परेशान है? तो बोले कि आजकल के बच्चे ना पढ़ाई लिखाई ये भले कम करें या ज्यादा करें हमको कोई पिता नहीं, क्योंकि हम यहाँ आए हुए उनको पढ़ाने के लिए, ज्यादा आता है कि कम आता है तो पढ़ाने ही आए। हम अपने जमाने जब स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे तो एक किताब से पढ़ते थे, पढ़ाने के लिए तीन किताब से पढ़ के तैयारी करके क्या बात है। तो पढ़ाई लिखाई में कम ज्यादा होते गलत हो जाए, लेकिन एक टीचर के साथ टीचर की तरह व्यवहार भी नहीं करते। टीचर क्लास में पढ़ाए इतना भी होश नहीं है तो उनके व्यवहार से टीचर का, उनके व्यवहार से क्लास की व्यवस्था, टीचर बोल रहे पढ़ा रहा चार बच्चे पीछे आपस में बात कर रहे, इससे टीचर का अपमान। ये टीचर के साथ टीचर ऐसा व्यवहार ही नहीं कर रहे, बहुत पीड़ित थी। हमने कहा कि सर आप चलिए चाय पीजिए, आते हैं तो खुश होइए और उन सभी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए 10-15 साल बाद टीचर बने। क्योंकि जब टीचर बनेंगे ना तब टीचर की पीड़ा समझेंगे। घर में एक बच्चे को माँ बाप संभाल लेते कितनी बार गुस्सा कर जाते, कितने बच्चे होते 40 अगर ऐसे उधम करने लगे सब करने लगे तो क्लास संभालना कठिन हो जाएगा। ये हुआ तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, 10-15 साल की तो बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे तो 5-6 साल बाद ही कहीं टीचर बन जाते, बढ़िया से आशीर्वाद दीजिए बुला के, खूब मेहनत से पढ़ो और टीचर बनो, तब समझ में आएगी टीचर क्या पीड़ा है। फिर वो चले चार बार दिए माता के कम हुआ, 8-10 दिन बिता, नहीं, महीना बिता होगा, जैसे मिल गया, तो बोला सर मेरा घर पास में ही है, घर चले, तो हमने उसे कहा कि तुम तो बहुत हिम्मती और साहसी मालूम होते हो। उसने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा कि आजकल के बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि माँ बाप और टीचर आपस में ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, तो मेरे घर के टीचर को घर ले जा रहे हो, बड़े साथी हो। बोला नहीं नहीं सर आप चले जाइए, ऐसा नहीं किया। मैं गया उसके घर, पिताजी के पिताजी में लगे, हम लोग पिताजी भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कहने भी लगे बोला देखिए हमारे घर बहुत पैसा तो नहीं, लेकिन है ना बच्चों को बहुत सुविधा आया, बहुत पैसा आया, बहुत पैसा मतलब सुविधा तो नहीं दे पाए, लेकिन जितना भी हमारे पास पैसा आपने कमाया है तो सबको लगाते ही, लेकिन हमने पूरी मेहनत की है कि हमें अपने हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, हम इस बात से खुश हैं कि नहीं आपका बच्चा 3 साल से हमारे यहाँ आता है, 3 साल में पढ़ाई में भी ध्यान देता है और कम से कम उसके व्यवहार की शिकायत तो आज तक एक भी शिक्षक ने नहीं की। सभी आपसे ये सब चर्चा चली गई थी, शाम का समय था, उसका छोटा वाला भाई 11th क्लास में पढ़ता है, ग्यारह वो कहीं बाहर ग्राउंड से खेल करके वापस आया, ग्राउंड में कुछ हो गया वो लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े के बाद क्या हालत होती है आदमी का पता ही होगा, तो गुस्से में अपना अंदर आया और घबराते हुए जो साइकिल की दीवार पे ऐसे जोर से धक्का दिया, जो भी अपशब्द बोल रहा था बोलते हुए कमरे में आया जहाँ हम लोग बैठे थे, अंदर जाने का वहीं से रास्ता था, हमारे और पिताजी के बीच से ही वो निकल के और पूरा टूर पूरा भड़वाहट ऐसी। और ये घटना तब घटी जब उनके पिताजी संस्कारों की बात करते और स्कूल के टीचर के साथ जब बच्चे बदतमीजी करते हैं तो स्कूल का टीचर कहता है माँ बाप इतना भी सिखा के नहीं भेजते कि टीचर के साथ कैसे व्यवहार करें, पीड़ित तो दोनों ही, पीड़ित तो दोनों ही, लेकिन दोनों ही जगह खाली फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी मैथ को पढ़ा रहे हैं,
व्यवहार की शिक्षा का माँ बाप दे रहे हैं या स्कूल दे रहा है, तो व्यवहार की शिक्षा के लिए तो बच्चे अनाथों की तरह निकलने को मजबूर है। उसका रिएक्शन बढ़ रहा है, कॉलेज में भी बढ़ रहा है, शिक्षा उसका ना घर दे पा रहा ना स्कूल दे पा रहा। तो स्कूल में इतने टीचर और घर के माँ बाप रिश्तेदारों के होने के बाद भी व्यवहार की शिक्षा के लिए तो बच्चे आप जैसी हालत में, इसलिए व्यवहार की शिक्षा भी आवश्यक है और उसके लिए काम चाहिए और उस पर बातचीत हो तो समझ में आता है नहीं आता है, महत्वपूर्ण है उधर ध्यान जाता है नहीं जाता है, हो सकता है तो पूरा दोनों को ही करना आवश्यक है, ममता भी और क्या किसी को छोड़ सकते आगे बढ़ा जाए।
ते मारुति रखा का भाव गौरव का भाव और कृतज्ञता का समझा है और जिया है, उनके प्रति जो स्वीकृति का भाव है ना, उसी को क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के प्रति, बहुत सारे के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने खुद हारमनी को समझा, जिया, बाकी दुनिया के लोग भी हारमनी को समझ सके, जी सके, चारों लेवल में व्यवस्थित रह सके, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने इतिहास में प्रयास किया। आपके घर के भी लोग हो सकते हैं, पुराने समय के भी, अभी के भी, समाज के भी हो सकते हैं ऐसे। तो सबके प्रति जो स्वीकृति का भाव है, उसी को क्या कह रहे हैं, श्रेष्ठता क्या है। ये चारों स्तर की व्यवस्था को समझ, इसकी जो समझ है ऐसा समझ के जीना, वही क्या है श्रेष्ठता। तो इस जिन जिन श्रेष्ठता है, उसकी स्वीकृति का जो भाव है, उसी को क्या कह रहे हैं, श्रद्धा। श्रेष्ठता किसे कह रहे, चारों स्तर की व्यवस्था का समझ, ये क्या है श्रेष्ठता। और इस श्रेष्ठता को के प्रति जो हमारी स्वीकृति का भाव है, इसी को क्या कह रहे, श्रद्धा।
श्रेष्ठता समझ में आ रही, इसे कह रहे हैं श्रेष्ठता। चार स्तर की जो है व्यवस्था, इसकी जो समझ की स्पष्टता है वो क्या है श्रेष्ठता, और इसकी जो स्वीकृति हमने कि भाई ये ठीक चीज है, ऐसा करना है, ये जरूरी है, ये क्या है, उसके लिए क्या बोलेंगे। दो शब्द हमने यहाँ लिखे हैं, एक शब्द यहाँ लिखा है श्रेष्ठता, एक शब्द है श्रेष्ठता, लिखने का काम आपको ध्यान में करेंगे। एक और शब्द आता है जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में इसको एक्सपर्ट बोलते हैं, शब्द है एक्सपर्ट, दैट इज विशेषज्ञ, और एक शब्द बोलते हैं एक्सलेंट, वो क्या हुआ श्रेष्ठता। सब सुने होंगे आप लोगों ने एक्सलेंट भी और एक्सपर्ट, इसको थोड़ा समझते हैं। चेतना में आ जाओ, कल्पना से इनका कर दीजिए, दो शब्द मैंने प्रयोग किया, श्रेष्ठता और विशेषता, अंग्रेजी में क्या शब्द प्रयोग किया श्रेष्ठता के, एक्सीलेंट एक्सपर्ट, आप दोनों को क्या समझ रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर शरीर के किसी अंग के इलाज में एक्सपर्ट है, जैसे किडनी, जानते हैं थोड़े किडनी में पथरी हो जाती है, तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कानपुर को देखें, हम हमारे कानपुर शहर में लगभग 60-70 लाख लोग रहते हैं, तो वहां पर पानी की बड़ी समस्या है, तो किडनी समस्या है ठीक है, तो कोई डॉक्टर है जो कि किडनी का विशेषज्ञ एक्सपर्ट है। अब वो डॉक्टर किडनी का तो एक्सपर्ट है, लेकिन उसमें श्रेष्ठता है कि नहीं है वो एक दूसरा मुद्दा है। श्रेष्ठता मतलब मानव परिवार समाज प्रकृति अस्तित्व के प्रति हार्मनी में जीने की स्पष्टता है। अगर उसके साथ पास किडनी की विशेषता विशेषज्ञता भी है, एक्सपर्ट भी है, और चारों लेवल की हार्मनी उसको समझ में भी आती है और वैसा जीने के लिए कमिटेड भी है, तो अपनी किडनी रोग का जो उसके पास ज्ञान विशेषज्ञता है उससे उस हार्मनी को बनाने का प्रयास करेगा कि बिगाड़ने का प्रयास करेगा। कई बार अखबार में आपको पढ़ा होगा कुछ डॉक्टर ऐसे भी जिन्होंने किडनी निकाल के ही बेच दी। अब ये हार्मनी को बनाना है कि बिगाड़ना है, बिगाड़ना। तो उसमें विशेषज्ञता तो है लेकिन श्रेष्ठता नहीं है, जरूरी दोनों है कि एक से काम चले, और दोनों को प्राथमिकता किसको दिया है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता के साथ विशेषज्ञता, बिना श्रेष्ठता के विशेषज्ञता बहुत घातक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना, कंप्यूटर के बारे जानकारी जुटाना, कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना, ये क्या है विशेषज्ञ विशेषता विशेषज्ञता, और चारों स्तर के हार्मनी के प्रति स्पष्टता होना, ये क्या है श्रेष्ठता। तो एक कंप्यूटर इंजीनियर जिसके पास कंप्यूटर के विज्ञान की एक्सपर्टाइजेशन है, विशेषज्ञ है, अगर उसको चारों स्तर की हार्मनी स्पष्ट है और कमिटमेंट है, तो कंप्यूटर के विशेषता का प्रयोग उस हार्मनी को बनाने के लिए करेगा, उस हार्मनी को बिगाड़ने के लिए नहीं। आप लोगों ने नाम सुना होगा कंप्यूटर वायरस, वो क्या करता है दुनिया के कंप्यूटरों को एक तरफ से खराब कर देता है। जैसे कोरोना वायरस फैला है, क्या करता है आदमी के शरीर को ही नष्ट कर दे रहा है, बिल्कुल ही खराब कर दे रहा है, ये बड़े ही जाम कर दे रहा है। वैसे कंप्यूटर के वायरस भी होते हैं, इंटरनेट से फैलते हैं, वो क्या करते हैं पूरे कंप्यूटर को ही ये वायरस बनाता कौन होगा, कंप्यूटर इंजीनियर तो बनाते होंगे, क्या उस कंप्यूटर इंजीनियर में जो ये वायरस बना के पूरे कंप्यूटर को फैला रहे हैं उनके अंदर विशेषज्ञता तो है लेकिन श्रेष्ठता नहीं है। अगर श्रेष्ठता होती तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रयोग, श्रेष्ठता होती
और सभी घटना से इकट्ठा वहीं चली जाती है। हमको इसलिए रोता पड़ता है आप। तब हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सभी समझ लेना जान लेना ये एक्सेलेंस है या एक्सपर्टाइजेशन है। एक्सेलेंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग है कि हार्डली चार लेवल की है। चार लेवल का कंप्यूटर के बारे में जानना उसने छोटा हुआ श्रेष्ठता हुआ कि विशेषज्ञता हुआ तो विशेषज्ञ तो है एक्सपर्ट तो है लेकिन चार लेवल की हार्मनी के बारे में ना तो स्पष्टता है और ना ही उसका कोई कमिटमेंट है इसलिए वो अपने विशेषज्ञता का प्रयोग करके डिसहार्मनी ऐसे देखेंगे तो किसी ने पुलिस की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी अच्छी गोली चला सकता है डंडा भी अच्छी चला सकता है लेकिन चार लेवल की हार्मनी की स्पष्टता भी नहीं है कमिटमेंट भी नहीं तो डंडा चलाना और ये गोली चलाना और ये शासन गोली कर रहा है उससे समाज में डिसहार्मनी भी फैला सकता है जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उनको घेर घायल भी कर सकता है या जो उसको रिश्वत नहीं दे रहे हैं उन पर भी कर सकता है जो रिश्वत नहीं दे रहे हैं उन पर कर रहा है कि हार्मनी फैलाना है कि डिसहार्मनी फैलाना है एक्सपर्ट तो है लेकिन एक्सेलेंट तो आदमी के लिए एक्सेलेंट और एक्सपर्ट श्रेष्ठता और विशेषज्ञता दोनों एक से काम नहीं चलेगा उसमें भी पहले नंबर पे क्या श्रेष्ठता श्रेष्ठता के साथ विशेषज्ञता कोई ना कोई स्किल तो सब सीखेंगे ना आप लोग लेकिन उस स्किल से क्या करेंगे हार्मनी बनाएंगे कि डिसहार्मनी फैलाएंगे लेकिन हार्मनी के बारे में स्पष्टता नहीं है कमिटमेंट नहीं है तो आप जो स्किल सीखेंगे जो एक्सपर्ट होंगे उससे हार्मनी फैलाएंगे कि डिसहार्मनी फैलाएंगे तय नहीं होता है। जैसे आप मोबाइल चलाना सीख लीजिए ना उस मोबाइल को जितना भी आप प्रयोग करते हैं जो कुछ भी उसमें से देखते हैं है ना वो सब हार्मनी वाले ही विषय होते हैं कि बहुत सारे डिसहार्मनी वाले भी करना पड़ेगा क्या हार्मनी के अर्थ में क्या हार्मनी के अर्थ में किससे परिवार की व्यवस्था बनी रहेगी किससे परिवार की व्यवस्था तो वो एक्सेलेंस अगर ध्यान में है तो हम उस मोबाइल का जो ज्ञान हमारे विशेषता है आगे ये प्रयोग कर देगा हम उसको हार्मनी के लिए बात समझ में आ रही थी दूसरी बात क्या है जब हमें श्रेष्ठता होती है अर्थात हम चार लेवल की व्यवस्था को समझ पा रहे हैं जीने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी ऐसा समझने और जीने में सहयोग करेंगे कि रोकेंगे लेकिन जब श्रेष्ठता नहीं होती और सिर्फ विशेषज्ञता होती है तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा जितना इंटेलिजेंट कंप्यूटर इंजीनियर कोई दूसरा ना हो हमारे जितना एक्सपर्ट डॉक्टर कोई दूसरा ना हो लेकिन अगर एक्सेलेंसी है हमारे भीतर तो हम अपने जैसे 20 डॉक्टरों को बनने में सहयोग करते हैं ताकि धरती पर अधिक से अधिक लोग मुक्त हो सके लेकिन श्रेष्ठता नहीं है सिर्फ विशेषज्ञता है तो दूसरे को अपने जैसा बनने से रोकते हैं श्रेष्ठता भी है तो दूसरों को अपने जैसा बनने में सहयोग जैसे क्लास में देखेंगे ना तो बहुत सारे आपके साथी अगर उनको कुछ समझ में आ गया तो जो कुछ भी आता सबको बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो समझ में आ गया तो बताते नहीं छुपा रहे अरे आपकी क्लास में होंगे तो हमको नहीं पता लेकिन आपके दूसरे भी वो नहीं बता रहे हैं तो दूसरे को अपने जैसा बनने से रोकना है या सहयोग करना सहयोग करना रोकना तो ये एक्सेलेंस इज मिसिंग बात समझ में आ गई तो क्या क्या जरूरी है ये श्रेष्ठता और विशेषज्ञता दोनों जरूरी है किसी को छोड़ सकते हैं पहले किसको श्रेष्ठता के साथ विशेषता बिना श्रेष्ठता के विशेषता बहुत खराब है जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है तो श्रेष्ठता के साथ वरदान है बिना श्रेष्ठता के यही विज्ञान तो समझ में आता है अब थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं दस मिनट समय लगा सकते हैं yes, तो लगे
क्या वो जोर से बोल रही है? दस मिनट रोक सकते हैं तो क्या बहुत जोर की लगे तो हम लोग आप में से कितने लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा है? सिकंदर महान, महान सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। सिकंदर के बारे जानते हैं? यस सर। कौन था सिकंदर? बताएगा विजेता बताएगा। सिकंदर को नहीं जानते? फिर तो बहुत तो गाना सुना है जो जीता वही सिकंदर। वो कौन है सिकंदर जो जीता वही सिकंदर के नाम पर लगा बना है? वो सिकंदर है कौन? वो सिकंदर कौन? एक राजा था रोम देश। रोम देश का नाम क्या है? आजकल रोम देश को इटली, इटली, इटली देश का नाम क्या है? यस सर, वहां का राजा था। तो उसको फर्डिनांड ने भाई कल्पना से इनकार में उसके आ गया कि हमको पूरे पृथ्वी पर जितने देश है सबका राजा बनना है। जिसको कहा गया पूरा विश्व का राजा बनना है, विश्व विजेता बनना है। तो वो जो है वो क्या कहते हैं कि उसके पास जो भी सेना थी उन सबको लेके निकल पड़ा और पड़ोस के देश को हराया और उसकी सेना अपनी सेना में मिला ली। फिर दूसरे देश चला गया फिर उनको हराया फिर उनकी सेना अपनी सेना में मिला ली। इस तरह उसकी सेना भी बड़ी होती जा रही थी और इटली से चला भारत तक चला। और जिस देश में जाता था ऐसे मारकाट मचाता था और वहां का सोना चांदी लूटता था, ऐसी करता था। तो बहुत सारे एक दूसरे जीते। तब से लोग कहने लगे जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो पूरी पृथ्वी का हार्मनी फैला रहा है कि डिसहार्मनी फैला रहा है? डिसहार्मनी फैला रहा है, अवस्था फैल रही है। तो क्या ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना उचित है? तो कोई ठीक बात है? अगर उसने हार्मनी फैलाई होती तो ठीक बात। तो इसलिए तो गौरव ने लिखा है कि जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति आप देखेंगे तो आपके परिवार में, समाज में, इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद ये प्रयास कर रहे होंगे कि उनको ये चार स्तर की व्यवस्था समझ में आ जाए, वो जीने लग जाए। जरूरी नहीं कि पूरा जी पा रहे लेकिन कम से कम प्रयास करें। तो सभी लोगों के प्रति जो भाव हुआ उसको क्या कहा? हम लोग सिकंदर के भी गौरव करते हैं। अब वो व्यवस्था तो सुनिश्चित किया कि अव्यवस्था फैला गौरव करना सीखा। हाँ, इस बात के लिए गौरव किया जा सकता है। अच्छा लगता खराब लगता है उसको कितना खराब लगता हो, अंदर कितनी जागरूकता होती होगी। भारत में कोई विद्वान रहे उस समय के, कभी उनसे मिलने चला गया तो उनसे कहा, उनके सैनिक ने जो अपनी पर विजय नहीं ले पा रहा है दुनिया पर विजय करके क्या करेगा? क्या मतलब बोले कि ये नहीं देख पा रहा है कि पूरी दुनिया पर इस तरह से मार काट करना ये ठीक नहीं है, उसका किस बात का सम्मान है? कह दिया फैस बुरी हुआ। एक पॉइंट पर आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी ना कि सिकंदर ने कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे दोनों हाथ को ताबूत समझते हैं। बहुत सारे किस्में लोगों को डाल के दफनाया जाता है ताबूत में ना उसको बोलते हैं। तो बोले कि जब मैं मर जाऊँ मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि हमने जितना भी मार काट किया उससे कुछ हाथ नहीं आया, बेचैनी मेरी वैसी की वैसी। तो वो अपने को सफल मानता है क्या? सफल मानता है वो खुद अपने आप को जीता हुआ मानता है, हारा हुआ मानता है। हारा हुआ और हम गाना बना के सुन रहे हैं जो जीता वाली जो आपने खुद को हारा हुआ मान रहे हैं ना उसके नाम से गाना गा रहे हैं जो जीता वाली।
जाए वो लोग जो आपके परिवार के समाज के इतिहास के पूरी पृथ्वी के कोई भी जो पूरी पृथ्वी पर व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किए उनके प्रति गौरव और व्यवस्था फैलाने वालों के प्रति गौरव किस पर गौरव करें वो व्यवस्था को सुनिश्चित करने के प्रयास में ठीक है नहीं करेंगे आई नॉट कैप्टन